डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो शुगर का लेवल बढ़ने से खून में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से होती है, और जिसमें जो शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिससे उसमें इंसुलिन, जो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास में प्रोड्यूस होता है, जो बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, और शुगर की मात्रा बढ़ने से खून में इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन बीटा सेल पैंक्रियास से होता है, और इससे और वो मैच नहीं कर पाता है क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होने से इंसुलिन लेवल जो बहुत कम हो जाता है वो मैच नहीं कर पाता है, इसलिए डायबिटीज होती है। और शुगर एक कहां से आती है, शुगर अपने कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं आहार लेते हैं उससे होता है, और उसको कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट इसलिए जरूरी है जो अपनी एनर्जी होती है जो अपनी बॉडी को चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, वो इंसुलिन उसको कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में बदलता है।